हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग द वीडियोस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एज ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज आई कांट अपलोड द वीडियोस। बट फ्रॉम राइट नाउ एवरी संडे यू विल गॉट वन वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम एक यूआई डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने एक यूआई डिज़ाइन बनाया है, तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, और हम ये भी सीखेंगे कि यूआई डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर एन इंट्रो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू डॉक्यूमेंट, जहाँ पे मैंने साइज़ लिया है 1920x1080। ये हमारे वेब का साइज़ है और इसका रेजोल्यूशन मैंने 72 लिया। लेट्स क्रिएट इट। सो गाइस, डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि यूआई डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है। सो उसको पहले समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यूआई का मतलब क्या होता है। यूआई मींस यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस बेसिकली क्या होता है आपका, कि जब एक यूज़र इंट्रैक्ट करता है वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से, सो वो होता है जहाँ पे वो वेबसाइट देखता है, उसके कलर्स, उसके टेक्स्ट, उसके बटन्स। तो वो बेसिकली क्या होता है कि यूज़र किस टाइप से इंट्रैक्ट कर पा रहा है वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से। सो जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसको हम यूआई डिज़ाइन बोलते हैं। सो बेसिकली यूआई डिज़ाइनर का काम क्या होता है कि मतलब कलर्स हमें कौन से सेलेक्ट करने हैं, बटन कहाँ पर आएगा, टेक्स्ट क्या लिखना है, जिससे कि यूज़र इजीली इंट्रैक्ट कर सके उस वेबसाइट से या फिर उस एप्लीकेशन से। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि यूआई डिज़ाइनर का काम क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिज़ाइन। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट ले लिया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मेरे पास एक ये इमेज है ईयरबड्स की, और इसका ऑलरेडी मैंने बैकग्राउंड हटाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव करेंगे, तो आप मेरे वीडियो पे आप मेरे चैनल पे एक वीडियो देख सकते हो कि हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड यूजिंग पेन टूल। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लेते हैं बाय क्रिएटिंग अ न्यू लेयर। सो इसको हम कोई भी कलर अभी फिल कर देते हैं, और इसमें हम एक ग्रेडियंट देते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक ग्रेडियंट बनाया हुआ था, तो यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं कि मैंने कलर्स की क्या वैल्यू रखी है, तो आप वो वैल्यू रख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा वाला भी आप देख ले और ओके कर दे, और ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या वैल्यूज़ रखी है। यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना एक प्रोडक्ट, अपना जो प्रोडक्ट है वो लेके आते हैं। सबसे पहले तो हम अपने प्रोडक्ट को जहाँ पे हमें सेट करना है उसको हम वहाँ पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को यहाँ पर सेट करना है, बड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब ना हो जब हम इसको बड़ा या छोटा करें। तो हम क्या चाहते हैं, अब ये प्रोडक्ट जैसे है तो ये थोड़ा सा फ्लोट हो रहा है हवा में। सो हम इसके नीचे एक शेडो बना देंगे। एक न्यू लेयर लिया है इस प्रोडक्ट के नीचे, एंड ब्रश लेकर के हम उसको स्मूथ करेंगे। पहले तो आपको पता ही होगा कि ऑल्ट और राइट क्लिक से अगर हम अप करेंगे तो वो स्मूथ ब्रश बनेगा, और नीचे करेंगे तो हार्ड बनेगा। तो हमें स्मूथ ब्रश चाहिए, और छोटा कर देते हैं। और ब्लैक कलर फिल है हमारा, तो ब्लैक कलर से हम इसको फिल कर देते हैं स्मूथ ब्रश से। Now press Ctrl T for transformation and press Alt इसको छोटा पतला रखने के लिए, पतला करने के लिए। अभी ये बहुत ज़्यादा और इसकी opacity बहुत ज़्यादा है, तो हम इसकी opacity कम करेंगे around 20%, और इसके ठीक नीचे ले आएंगे, जिससे कि ये लगे, ऐसा लगेगा कि हवा में फ्लोट हो रहा है। ठीक है, Now अब हम ये यूआई डिज़ाइन वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। तो एक लोगो होता है, आपने नॉर्मली वेबसाइट्स में देखा होगा कि एक लोगो होता है, उसका पूरा मेन्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोगो और मेन्यू यहाँ पर बनाते हैं।
तो हम लोगो एक सिंपल सा टेक्स्ट लोगो ही बना लेते हैं। तो हम लोगो का नाम रखेंगे म्यूज़िक लवर, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं म्यूज़िक म्यूज़िक लवर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर म्यूज़िक को वाइट कलर दे देता हूँ। हम वाइट और ब्लैक की थीम में चलेंगे मोस्टली। तो यहाँ पर ये मेरा लोगो है। आई नो लोगो बहुत सिंपल सा है बट ठीक है। और जो फॉन्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो है बार्लो फॉन्ट, और इसका ब्लैक मैंने फॉन्ट फैमिली से ब्लैक वो लिया है, ठीक है। अब हम इसका मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू में क्या क्या आता है आपका? होम, और इसको हम दे देते हैं अराउंड सेमी बोल्ड, और इसका साइज़ छोटा कर देते हैं अराउंड 25 आई थिंक। इसको हम 42 कर देते हैं, ठीक है। एक हमने होम का लिया है, फिर एक हम ऑफ़र दे देंगे इसको। एक ऑफ़र का हम मेन्यू में ऑफ़र बटन ऐड ऑन करेंगे, ऑफ़र, और ये देखिए जो पिंक कलर के गाइड्स आ रहे हैं आपको गाइड कर रहे हैं कि इसमें बीच का गैप सेम है या नहीं है। स्टोर, और एक बटन हम बनाएंगे साइन इन का। इन दोनों कंट्रोल ए प्रेस करके हम इसको बिल्कुल सेंटर अलाइन कर देंगे। पहले हम इन दोनों को ग्रुप करेंगे। हमने ग्रुप क्यों करा है? सो दैट ये हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन हो जाए। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टली जैसे कि लेफ्ट से भी और राइट से भी सेम गैप रहे, ठीक है। अब हम इसको अनग्रुप कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट जी से, ठीक है। तो ये हमारा बटन है साइन इन, लिख देते हैं हम साइन इन, करेक्ट। साइन इन बटन, होम, ऑफर, स्टोर एंड सपोर्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बीच का गैप देख लेंगे, गैप हमारा सेम हो, ठीक है। अगर सेम नहीं रहेगा तो फिर यूआई में उतना क्लीन यूआई नहीं लगता, और क्लीन यूआई ना हो तो फिर डिज़ाइन अच्छा नहीं आता। सो ऑलवेज मेक योर डिज़ाइन नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो देख लेते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है सेट योर म्यूज़िक फ्री, तो हम इसको एज अ हेडलाइन शो करते हैं यहाँ पर।
तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको दो लाइन में हम कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके बीच का गैप जो है हम ऑटो कर देंगे, और म्यूज़िक का एम कैपिटल एंड फ्री का भी एफ कैपिटल, ओके। और इसको हम चेंज कर देंगे एक्स्ट्रा बोल्ड में, और इसका फॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि हमारी हेडलाइन है, सो थोड़ा सा बड़ा ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसका गैप थोड़ा सा हम कम करेंगे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि सेट योर को हम बोल्ड, सेमी बोल्ड एंड मीडियम, मीडियम पे सेट करें और इसको छोटा कर दें। और म्यूज़िक जो हमारा वर्ड मेन वर्ड है उसको हम ब्लैक कर दें, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए हैं मेन्यू में, मेन्यू में जो बटन अभी एक्टिवेटेड है तो उसको अलग रखने के लिए हम उसका कलर चेंज कर देंगे। अभी हमारा होम बटन एक्टिवेटेड है तो हम होम बटन को ब्लैक रखेंगे और बाकी सबको हम वाइट रखेंगे, करेक्ट। हमने बैकग्राउंड इसलिए ग्रे लिया है ताकि वाइट थोड़ा सा हाईलाइट हो सके उसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख लेते हैं हम। डिस्क्रिप्शन मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में हम एक टेक्स्ट टूल लेंगे और डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल ए सेलेक्ट करके हम इसका गैप ऑटो पे ले आएंगे सबसे पहले तो, और That's great. That's perfect. तो हम इसके टेक्स्ट को हम इसको सेट कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए हमारा डिज़ाइन एक नीट एंड क्लीन डिज़ाइन आने लगा है। सो, अब एक हमारे पास बटन, दो बटन भी होंगे, हम दो बटन बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों को पकड़ के कंट्रोल टी प्रेस करके तो हम देख लेते हैं कि बराबर ही रहे, बराबर ही ऑलमोस्ट। सो, तो हम क्या करते हैं, म्यूज़िक हम वर्ड लिख लेते हैं पर अलग अलग लिखेंगे थोड़ा सा, हम थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा दिखाने के लिए एम यू पहले लिख लेते हैं, और इसका हम फैमिली एक्स्ट्रा बोल्ड में रखेंगे और थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा बड़ा करेंगे हम, और इसको हम प्रोडक्ट के पीछे रखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा एम यू है तो हमारा प्रोडक्ट ये है, लेयर टू वाला ईयरबड्स हम लिख देते हैं, ईयरबड्स तो एम यू के पीछे हमने रखा है, और इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ड्रॉप शैडो ऐड ऑन कर देंगे। तो ड्रॉप शैडो मैंने ऑलरेडी पहले से अप्लाई किया था तो वही ड्रॉप शैडो ले रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू सारी, ठीक है। अब एम यू अगर यहाँ पर आएगा SIC यहाँ पर हम लिखेंगे SIC म्यूजिक
ठीक है। और ये देखिए अलाइनमेंट, मैंने अलाइनमेंट को यहाँ पे रखना है, आपने अलाइनमेंट के साथ ये आपने खेलना है, क्योंकि अलाइनमेंट अच्छी रहेगी तभी आपका डिज़ाइन और अच्छा निखर के आएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक इमेज और है, ये एक म्यूज़िक का आइकॉन है, तो हम इस आइकॉन के साथ कुछ खेलेंगे। अब ये पिंक कलर का है तो फिर ये हमारे थीम के साथ कहीं तो मैच नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम छोटा कर देते हैं। सबसे पहले ये आइकॉन है, हम इसका कलर चेंज कर देंगे, कलर ओवरले से हम इसका कलर वाइट ही रखते हैं, ठीक है। ओके प्रेस करते हैं और ये आइकॉन को हम टेक्स्ट के पीछे रखेंगे, राइट, लाइक यहीं पर ही रख देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अभी जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो भी वाइट कलर का, आइकॉन का कलर भी वाइट है तो इसलिए वो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं। तो ये देखिए जैसे ही हमने आइकॉन को ऐड ऑन करा है और उसकी ओपेसिटी को कम करा है तो कितना अच्छा डिज़ाइन निकल के आया। हम इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे और जो हमारा टेक्स्ट है हम उसको भी थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे। शिफ्ट प्रेस करके मैं ये सब कुछ ले रहा हूँ और इसको हम इसके हिसाब से रखेंगे, ठीक है। और म्यूज़िक को भी हम इसके हिसाब से सेट करेंगे, करेक्ट। हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते हैं, साइज़ मेरे को जो हेडलाइन का है थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मेरे को बहुत छोटा सा लग रहा है। हम इसको अराउंड 135 रख देते हैं और इसको अराउंड हम रखेंगे 105 है तो 100 रख देते हैं, दिस इज़ बेटर। एंड इसको हम इतना ही रखेंगे। तो हमारा टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं, कलर इसका ब्लैक हम रख देते हैं और इसको हम छोटा कर देंगे, ठीक है। अब ये बहुत पास पास से लग रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए ठीक, एंड इसमें थोड़ा सा हम गैप कम रखेंगे अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन और इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। सो हम ये देख लेते हैं कि हमारा सारा अलाइनमेंट परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट है हमारा अलाइनमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक चीज हमेशा ऐड ऑन करते हैं अपने डिजाइन्स में एंड यू नो वेरी वेल, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो मैं कलर लुकअप हमेशा अपने डिज़ाइंस में ऐड ऑन करता ही करता हूँ, जिससे कि मेरा डिज़ाइन और अच्छा आता है। तो वही 3 stripes वाला ही ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू अदर, तो हम 3 stripes वाला ही रिकमेंड करेंगे। और यहाँ पर मेरे को जो ये फ्री बटन है इसको हम थोड़ा सा डल रखेंगे कलर, सो दैट वो हाईलाइट रहे।
एंड सेम कलर हम यही पिक करें। ओके सो और इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे। सो दैट्स इट गाइस। सो दिस इज इट गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको इस टाइप के वीडियोस और चाहिए या फिर यूआई डिज़ाइंस पर और चाहिए वीडियोस, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बैनर्स डिज़ाइंस करवाने हैं या फिर कुछ भी आपको बैनर से रिलेटेड कुछ भी आपको बनवाना है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मेरे को पर्सनल मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। एंड अब से हर संडे टू संडे आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच।